नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन की स्टडी को हम कहते हैं पेलेनोलॉजी। पॉलन ग्रेन जब एंथर मैच्योर होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है और विद द डिसेंस ऑफ एंथर पॉलन ग्रेन दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। और पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, इट इज स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर और इसका जो डायामीटर है वो होता है 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। पॉलन ग्रेन की आउटर कवरिंग को हम स्पोरोडर्म कहते हैं, स्पोरोडर्म। स्पोरोडर्म इट हैज टू लेयर में, आउटर लेयर को हम कहेंगे एक्साइन और इंटर लेयर को कहते हैं इंटाइन। टू लेयर इंटाइन, इनर लेयर को इंटाइन एंड आउटर लेयर को एक्साइन। एक्साइन लेयर जो है ये हार्ड लेयर है, हार्ड। इंटाइन लेयर ये थिन है और कंटिन्यूस लेयर है और ये किस चीज की बनी होती है, इट कॉन्सिस्ट ऑफ पेक्टीन एंड सेलुलोज। इंटाइन लेयर इट कॉन्सिस्ट ऑफ पेक्टीन एंड सेलुलोज। पेक्टीन और सेलुलोज की बनी है और एक्साइन जो है इट कंटेन स्पोरोपॉलिनिन। स्पोरोपॉलिनिन क्या है, इट इज हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। स्पोरोपॉलिनिन हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। स्पोरोपॉलिनिन क्यों कहते हैं इसको हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, बिकॉज इट इज नॉट अफेक्टेड बाई हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली। और इस वजह से इसको हम यूज कर या प्रिजर्व करके रख सकते हैं एज ए माइक्रोफॉसिल। इसको यूज करते हैं या एज ए माइक्रोफॉसिल किसकी वजह से, स्पोरोपॉलिनिन की वजह से। अब स्पोरोपॉलिनिन की वजह से ही इसकी आउटर लेयर जो है हार्ड है और जब पॉलिनेशन होती है तो उस टाइम ये क्या होता है, वेल प्रोटेक्टेड रहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपॉलिनिन। अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसमें हम देख रहे हैं इनर लेयर इंटाइन एंड आउटर लेयर जो है उसको हम कह रहे हैं एक्साइन। और एक्साइन जो है कुछ एक स्पेसेस बीच में होगी जहां पे स्पोरोपॉलिनिन जो है एब्सेंट होगा, फॉर एग्जांपल यहां पे आप देख रहे हो या यहां पे देख रहे हो और यहां पे, तो इन वाले रीजन को हम क्या कहेंगे, जर्म पोर, जहां पे स्पोरोपॉलिनिन जो है एब्सेंट होगा उन वाली जगह को हम क्या कहेंगे, जर्म पोर। तो जैसे ही पॉलन ग्रेन जब ग्रो करेंगे या पॉलन ट्यूब फॉर्म करेंगे तो कहां से बाहर निकलेंगे, ये इस वाले रीजन से, उस रीजन को हम क्या कह रहे हैं, जर्म पोर। क्लियर। अब जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनकी जो एक्साइन है वो येलोइश एंड विस्कस स्टिकी और ऑयली होती है और उसको हम क्या कहते हैं वहां पे, पॉलन किट, कॉल्ड पॉलन किट। पॉलन किट जो है ये क्या कंटेन करती है, पॉलन किट इट कंटेन लिपिड एंड कैरोटीनॉइड, लिपिड प्लस कैरोटीनॉइड। क्लियर। नेक्स्ट है पॉलन वायबिलिटी। पॉलन वायबिलिटी, पॉलन रिलीज हो गए, अब उनकी पॉलिनेशन होगी, देन वो स्टिग्मा के ऊपर फॉल करके जर्मिनेट करेंगे। लेकिन पॉलन वायबिलिटी मतलब कितने टाइम तक वो वायबल हैं, कितने टाइम तक वो जर्मिनेट कर सकते हैं, उसको कहते हैं पॉलन वायबिलिटी। जब पॉलन जो है लूज कर जाएंगे वायबिलिटी तो वो उसके बाद जर्मिनेट नहीं करेंगे। पॉलन वायबिलिटी में दिस पीरियड फॉर विच द पॉलन ग्रेन्स रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा।
पॉलन वायबिलिटी इट कैन वेरी, हाईली वेरिएबल. किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर सकती है एंड ह्यूमिडिटी के ऊपर. टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी. तो ये इसका एग्जाम्पल आप देख रहे हो. इन केस ऑफ राइस एंड व्हीट पॉलन वायबिलिटी कितनी? सिर्फ 30 मिनट, मीन हाफ एन आवर. एंड इन केस ऑफ लेगिमिनेसी, रोजेसी एंड सोलेनेसी, इनमें कितनी हो सकती है? सेवरल मंथ तक पॉलन वायबिलिटी हो सकती है. पॉलन ग्रेन को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं. किसमें? पॉलन बैंक में. कैसे? किसमें? इन लिक्विड नाइट्रोजन में, -196 डिग्री सेल्सियस पे इनको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं. तो इस प्रोसेस को हम, इनकी प्रिजर्वेशन को कहते हैं हम क्रायो प्रिजर्वेशन. नेक्स्ट है पॉलन एलर्जी. पॉलन जो है दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, स्पेशली इन केस ऑफ एनिमोफाइलस स्पीसीज. जो बिंड पॉलिनेटेड स्पीसीज होंगी उनमें लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं और वो एयर में फ्लोट करते रहते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर कर जाएंगे. रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर कर जाते हैं एंड सम इंडिविजुअल क्या करते हैं? दे डेवलप एलर्जी टू देम, प्रोड्यूसिंग लाइक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. इसमें अस्थमा या ब्रोंकियल एलर्जी, हे फीवर, इसमें रनिंग नोज हो गया, वॉटरी आइज हो गई, इचिंग हो गई एंड देन स्नीजिंग हो गई. ये सब कुछ एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस होते हैं. जो सबसे मेन कंट्रीब्यूटर है पॉलन एलर्जी का वो है कैरेट ग्रास. कैरेट ग्रास या पार्थीनियम. कैरेट ग्रास जो था इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया विद द व्हीट वेराइटी के साथ इंट्रोड्यूस हुआ था. ये व्हीट के साथ पॉलन प्रोडक्ट्स. पॉलन प्रोडक्ट्स दे आर यूज्ड फॉर वेराइटी ऑफ पर्पजेज लाइक नेचर केयर, कॉस्मेटिक में, स्पेशली दोज विच आर कलेक्टेड बाई बीज एंड एज ए फूड सप्लीमेंट भी यूज किया जाता है. फूड सप्लीमेंट में ये एज्यूम किया जाता है कि दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट में रिच होने की वजह से उनको ये क्लेम किया जाता है कि वो क्या करते हैं, वो एथलीट्स की परफॉर्मेंस इंक्रीज करते हैं एंड रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं. तो ये जो है पॉलन के प्रोडक्ट दे आर अवेलेबल किसमें? टैबलेट की फॉर्म में भी मिलते हैं और सिरप की फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं.